हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और अभी मैं जा रही हूं टाउन एरिया में, जहां पर आप जानते हैं कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें मुझे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। एज अ फिल्म जर्नलिस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है और वही जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए मैं टाउन एरिया में, मुंबई के टाउन एरिया में जा रही हूँ। जाने में शायद 50 मिनट्स टाइप्स कुछ लगने वाले हैं, देन मेरे ऑफिस में पहुंचने में शायद मुझे 1 घंटा लग जाए। लेकिन इस बीच मेरे पास कुछ अपडेट्स आए हैं और मैंने कहा चलिए बता देती हूँ आपको। मैंने हाल ही में एक स्टोरी अपलोड करके बताई थी कि कैसे सुपरस्टार सिंगर 3 यानी SS3 में दानिश ने जो दिखाया है इंस्टा स्टोरी के हिसाब से, वो कुछ ऐसा दिखाया है कि साइली इज बैक ऑन द सीट ऑफ कैप्टन, पवन दिखाई दी, अरुणिता दिखाई दी, अलग अलग जगह पर कंफर्म किया और फिर दानिश तो है क्योंकि वीडियो उनका है। लेकिन सलमान की सीट पर, सलमान अली की सीट पर जो दिखाई दिए, दैट वाज हेमंत ब्रजवासी। हेमंत ब्रजवासी रियलिटी शो का एक जाना माना नाम है और बेहतरीन सिंगर है, और माफ कीजिएगा इस आवाज के लिए, और मेरी लाइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी स्टोरी बहुत जरूरी से आ गई थी। तो यहाँ पर मेरे पास कंफ्यूजन ये हो रहा था कि ऐसा है क्या कि सलमान अली इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहे, या भी उनको ब्रेक दे दिया गया है, या ही इज ऑन सम अदर शो जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और आपसे ये वादा किया था कि जब भी मेरे लिए थोड़ा सा भी कंफर्म होती है इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक स्टोरी बता दूंगी। देखिए अभी तक कंफर्मेशन का मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास अभी सेट पर से कुछ खबरें उड़ती उड़ती आ गई हैं और वही आपको बताने के लिए आ गई हूँ। अगर सोर्सेस की बात मानते हैं हम, सूत्रों की बात मानते हैं, तो हो सकता है कि सलमान अली को SS3 से ब्रेक दे दिया गया है, यानी उनको अभी तो नहीं बुलाया जा रहा है ये मानकर चलिए। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सलमान अली की जो टांग खिंचाई हुआ करती थी वो पवन अरुणिता बहुत अनकंफर्टेबल हुआ करते थे। मैं भी थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब क्यों। और उस पर से सबसे बड़ा काम आप लोगों की तरफ से आया कि भाई आपने तो बोल दिया ये नहीं चलने वाला है। सलमान अली थोड़ा सा मजाकिया हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को इतना भी मजाकिया टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए कि वो ऑकवर्ड हो जाए। अरुणिता को लेकर सभी लोगों के अपने अपनी सोच थी, अपने अपने विचार थे, उसे लेकर थोड़ा सा गुस्से में भी थे फैंस। और डेफिनेटली मैंने भी फिर सपोर्ट में एक स्टोरी बताई थी कि भाई ये सब चीजें हो रही है और सोनी टीवी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। एक ओपन लेटर मैंने भी लिखा ही था और सच मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये अपने लिए नहीं, मैंने आप लोगों के लिए किया है और शायद आपके काम आ सकूं इसीलिए किया था। अब मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकती कि ट्रेन जाने दीजिए, बहुत आवाज है यार, सॉरी। हाँ, तो अब मैं कंफर्मेशन में ये तो नहीं कह सकती कि ये उसी लेटर की वजह से, या फिर आप लोगों ने जो भी बात कही है, मेरा लेटर तो बहुत छोटी मोटी बात है, आप लोगों ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लिया गया हो सोनी टीवी की तरफ से। लेकिन एक बात तय है, खबरें अभी तक तो ये उड़कर आ रही है मेरे पास कि सलमान अली शायद अब दिखाई नहीं देंगे SS3 में इस सीजन में। और चलिए फिर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का मैं इंतजार करूंगी, आप भी इंतजार कीजिए। और मानकर चलिए कि पवन अरुणिता इस बार बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत स्वीटली उनके गाने भी शायद सुनना मिल जाए हमको आने वाले दिनों में। ये भी हो जाए कि वो जो बाकी के लोग उनकी टांग खिंचाई करते हैं, थोड़ी सी सिंगिंग की खिंचाई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जितने गाने उनको सजा के तौर पर दे देंगे दोनों को, उतना मजा आएगा। ये मतलब दो ना, ऐसे सजा दो ना सिंगर्स को कि उनको लगातार एक दूसरे के साथ 10 गाने और गाने, मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी उस सजा के लिए। आई लव यू फैंस, पवन अरुणिता के बिग टाइम वाले, भयानक वाले जो फैंस है ना, आई रियली लव यू ऑल। चलिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फिर भी मैं वेट करूंगी उसका। जय हिंद।